सबसे पहले है सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तपस्या करके स्वयं को श्राप से मुक्ति दिलाई थी और तब चंद्रदेव ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान माना जाता है, क्योंकि कैलाश पर्वत पर जाना श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत मुश्किल है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का महत्व और बढ़ जाता है। और अब बात करते हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग की। इस ज्योतिर्लिंग का नाम है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि यहाँ पर पूजा अर्चना करने से उम्र बढ़ जाती है और सभी प्रकार के टल जाते हैं। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के पास स्थित है। जिस स्थान पर ज्योतिर्लिंग है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और यह नदी चारों ओर बहती है, जिसमें यहाँ ओम का आकार बनता है, इसलिए इसे ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि तीर्थयात्री सभी तीर्थों से जल लाकर ओमकारेश्वर में अर्पित करते हैं और तभी उनके सारे तीर्थ पूरे माने जाते हैं। पांचवा है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 3200 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है, इसलिए सर्दियों के 6 महीने यहाँ जाना मुश्किल है, अर्थात यहाँ दर्शन के लिए सिर्फ गर्मी में ही जाया जा सकता है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मजय ने करवाया था। अब बात करते हैं छठे ज्योतिर्लिंग की, जिसका नाम है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में पश्चिमी घाट या सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। यहाँ स्थित शिवलिंग काफी मोटा है और इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। सातवां है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी में गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की मान्यता है कि काशी नगर को स्वयं भगवान शिव ने बसाया था और कैलाश पर्वत के बाद उनका दूसरा स्थायी निवास यही था। कहा यह भी जाता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है और माना जाता है कि जिस जगह ज्योतिर्लिंग स्थित है, वो जगह कभी भी लुप्त नहीं होती और सदियों से वैसी की वैसी स्थापित है। कहते हैं जो भक्त इस शहर में आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें हर तरह के पाप से मुक्ति मिल जाती है। आठवां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र राज्य के नाशिक जिले में स्थित है। कहा जाता है कि गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के बुलाने पर भगवान शिव को इस ज्योतिर्लिंग में आकर बसना पड़ा था। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे खास बात यह है कि यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं, जबकि अन्य सभी ज्योतिर्लिंग में केवल भगवान शिव ही विराजित हैं। अब बात करते हैं नौवे ज्योतिर्लिंग की, जिसका नाम है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर में विराजमान है। मान्यता है कि इसे लंकापति रावण ने स्थापित किया था। दरअसल इस शिवलिंग को रावण ने अपने 9 सिरों की भेंट चढ़ाकर भगवान शिव से वरदान मांगा था। दसवां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बडोदरा क्षेत्र में गोमती द्वारका के पास स्थित है। इसके अलावा कुछ लोग उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर शिवलिंग को भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। ग्यारहवां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथन जिले में मन्नार की खाड़ी के पास स्थित है। यह भारत के दक्षिणी भाग में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवान राम ने वानरों के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई के लिए राम सेतु बनाया था और यही उन्होंने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। इस दिव्य तीर्थ को भारत के 4 धामों में से एक भी माना जाता है। और अब 12वां यानी कि अंतिम ज्योतिर्लिंग, जिसका नाम है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर बहरौल गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्या होलकर ने करवाया था। दुष्मेश्वर महादेव के दर्शन से सभी पाप दूर हो जाते हैं और जीवन में सुखी सुख आ जाता है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, जो सिर्फ भगवान शिव के स्थान ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और भारतीय धरोहर का भी एक अंग माने जाते हैं। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।